जिनेवा स्विट्जरलैंड के सबसे प्रमुख, सबसे शानदार और सबसे अधिक आबादी वाले शहरों हैं। जो एक ऐसा रत्न है जो अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाली झील के चारों ओर खुद को बिखेरता है, जबकि स्विट्जरलैंड के कुछ शहर इतिहास और संस्कृति में डूबे हुए हैं और अन्य आधुनिक शहर पार्टी स्थलों पर अधिक हैं। जिनेवा इन सभी का एक दुर्लभ मिश्रण प्रदान करता है जो हर पर्यटक, युवा या बूढ़े के लिए उपयुक्त है। आकर्षक झील के साथ शहर के केंद्र में बहने के साथ आल्प्स की पृष्ठभूमि और एक ऊपरी पुल जहां से शहर की मनोरम महिमा देखी जा सकती है। जिनेवा पुराने और नए की पेचीदगियों को खूबसूरती से पकड़ लेता है। जिनेवा की सुंदरता इस तथ्य में भी निहित है कि इस चहल पहल भरे शहर में साल भर जाया जा सकता है। वसंत और गर्मियों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और शहर में घंटों धूप का आनंद मिलता है जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा को एक सुखद अनुभव बनाता है। अंत में आपके पास अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट संग्रहालय, मैसन टेबल और कला और इतिहास संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक संग्रहालय देखने के लिए कुछ ही घंटे हैं। आप जिनेवा के हरे भरे विशाल पार्क जैसे जॉर्डन इंग्लिस में लंबे समय तक टहलते हुए बिता सकते हैं, जो एक विशाल फूलों की घड़ी, पार्क डेल ग्रेंज और सुंदर वनस्पति उद्यान का घर है जो न केवल देखने के लिए एक सुखद अनुभव है बल्कि एक शैक्षिकी अनुभव भी है। एक बार जब आप जिनेवा के ओल्ड टाउन के नुक्कड़ और सारस की खोज से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप शहर की क्लासिक रेस्तरां में बढ़िया भोजन के अनुभव के लिए रुक सकते हैं, जिनेवा के हाई एंड स्टोर्स में शाम की खरीदारी कर सकते हैं या किसी क्लब में जा सकते हैं और रात को पार्टी कर सकते हैं। सर्दियों में जिनेवा का मौसम सर्द होता है फिर भी सुखद होता है। सबसे कम तापमान आमतौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और बर्फ के कुछ दिन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग अनुभव का आनंद लेने के लिए एकदम सही है। जबकि शहर के कई स्की रिसॉर्ट्स में से एक में अपने ठहरने की योजना बनानी पड़ेगी। सर्दियों में दिन कम होते हैं जब सूरज की रोशनी बमुश्किल कुछ घंटों की होती है, लेकिन कुछ घंटों की दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ साथ साहसिक खेलों की श्रृंखला इस रमणीय गंतव्य की यात्रा को पूरी तरह से इसके लायक बनाती है। कुल मिलाकर जिनेवा एक रमणीय गंतव्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कब देखते हैं और हम निश्चित रूप से इस उत्तम गंतव्य को अपनी यात्रा बकेट लिस्ट में तुरंत जोड़ने की सलाह देंगे। जिनेवा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय होने के अलावा जिनेवा स्वाद और शौक के लिए जाना जाता है। अगर आप भारत लौटते वक्त करीबियों के लिए कुछ तोहफे लेने की योजना बना रहे हैं तो जिनेवा आपके लिए परफेक्ट जगह साबित हो सकती है। यहाँ पर घड़ी और चॉकलेट के शानदार मॉल हैं जहाँ से खरीदारी की जा सकती है। जिनेवा झील के किनारे बसा मॉन्ट्रैक्ट शहर बेहद खूबसूरत है। यहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। अगर आप स्विट्जरलैंड टूर पर हैं तो यहाँ आना मत भूलिए। यहाँ हर साल जुलाई में एक चर्च फेस्टिवल होता है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की कई एजेंसियों के मुख्यालय सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपस्थिति के कारण जिनेवा एक वैश्विक शहर है। एक वित्तीय केंद्र और कूटनीति के लिए एक विश्वव्यापी केंद्र है माना जाता है। जिनेवा दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करता है। यही जिनेवा कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे जो मुख्य रूप से युद्धकालीन गैर लड़ाकों और युद्ध बंदियों के उपचार से संबंधित है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक मुख्यालय, बासेल अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए बैंक और स्ट्रासबर्ग। जिनेवा एक ऐसा शहर है जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के मुख्यालय के रूप में सेवा कर रहा है, न कि इसकी राजधानी एक देश होते हुए। 2021 में जिनेवा को वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए दुनिया के 9वें सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र के रूप में स्थान दिया गया था। यूरोप में लंदन, ज्यूरिक, फ्रैंकफर्ट और लक्समबर्ग के बाद 5वें स्थान पर था। 2019 में मसर द्वारा ज्यूरिक और बासेल के साथ जिनेवा को दुनिया के 10 सबसे रहने योग्य शहरों में स्थान दिया गया था। इस शहर को दुनिया के सबसे कॉम्पैक्ट महानगर और शांति की राजधानी के रूप में जाना जाता है। 2019 में मसर ने जिनेवा को दुनिया के 13वें सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान दिया।
2018 में वैश्विक शहरों की UBS रैंकिंग में जिनेवा को सकल कमाई के लिए पहला, दूसरा सबसे महंगा और पाओ में चौथा स्थान दिया गया था।